गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम गर्ल्स के पास मेकअप का और अपने एक्सेसरीज रखने का बहुत सारा सामान होता है, बट उसको हम कैसे मैनेज करें ये हमें हर किसी को जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ड्रेसिंग टेबल तो हमें मिल गया, बट ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइजर भी कैसे अपने सामान को ऑर्गेनाइज करें, ये चीजें जो होती बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आज मैंने मीशो से मंगाए दो दो अपने ऑर्गेनाइजर, जस्ट बिकॉज ऑफ इयररिंग्स इतने ज्यादा हो गए उनको और इतने सारे बॉक्सेस में रख चुकी हूँ कि कई बार तो क्या होता है ना, छोटे छोटे इयररिंग्स तो मिलते ही नहीं, अगर एक मिल गया तो दूसरा तो राम ही जाने कब मिलेगा ही। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है एक, मेरा जो है वो ब्रश वाला मैं ऑलरेडी मंगा चुकी थी तो वो मैंने सोचा लिपस्टिक के लिए, और जो मेरे कंसीलर वगैरह है उनके लिए मंगाती हूँ, और एक मैंने मंगाया इयररिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो दो बॉक्स मंगाए हैं, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि ये जो बॉक्स हैं ये आपके कितने काम के हैं। ये है जो कि इयररिंग के लिए बॉक्स है, जो कि मैं आपको सिर्फ बताऊं, मुझे ऐसा लगा था कि ये जो है कि मतलब थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट ये बहुत छोटा सा क्यूट सा ही आया। बट हाँ, ये अगर मैं मेरे लिए बोलूं, अगर आप तो महीने के लिए कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए या फिर 15 दिन के लिए भी जा रहे हैं ना, तो इसमें आप इजिली अपने जो है इयररिंग्स छोटे बड़े हर तरीके के, या वेडिंग जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं वेडिंग अटेंड करने, तो उसके लिए भी काफी अच्छा है आपको, और बहुत सारे पाउचेस नहीं करने पड़ेंगे बल्कि एक टिफिन सा लेके आप अब जा सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं, फिलहाल यहाँ पे तो अभी खाली है, भर के बाद में देखते हैं। कंपार्टमेंट मिल जाते हैं और तीनों ही एक ही साइज के होते हैं और एक के ऊपर एक लगे होते हैं, तो कुछ जो होता है वो वेट कुछ इस टाइप का जो है वो कंपार्टमेंट है, जिसमें आई थिंक अगर आपके छोटे हैं तो 4-5 जा सकते हैं, बड़ा है तो वो आप एक रखें या फिर दो रख सकते हैं। आपने जो है जो आपके नेक पीस है वो रख सकते हैं, छोटे छोटे जो नेक जो पेंडेंट वाले सेट होते हैं वो रख सकते हैं, स्टड रख सकते हैं, और जो बोलूं जो बहुत ही थोड़े से टाइनी से या फिर जो इकट्ठे होने वाले ब्रेसलेट्स होते हैं वो रख सकते हैं। वॉच तो पता है नहीं है, आएगी नहीं आएगी, चलिए ट्राई ही कर लेते हैं कि वॉच रख सकते हैं नहीं रख सकते। हुर्रे, इसमें आप अपनी वॉच भी रख सकते हैं, अगर आपके पास 2-3 तरीके की वॉचेस हैं तो वो आप इस तरीके से थोड़ा सा कॉटन के साथ में इसको रख सकते हैं, तो ये तो बहुत भाई कमाल की चीज है। तो इसमें इस टाइप के 3 कंपार्टमेंट अगेन आ गए, मुझे पता नहीं क्यों टंग जो है बहुत स्लिप हो रही है, तो ये जो इस टाइप के आ गए, और आप इसको जो है ऊपर से क्लोज करके अपने आराम से आप उसको कहीं पे भी, फिलहाल तो ये मैंने अपने घर के लिए मंगाया, बट अगर ट्रैवलिंग के लिए बोलूं, ट्रैवलिंग के लिए भी काफी बेटर है, तो अगर मुझे कहीं काफी टाइम के लिए जाना पड़ा, अभी तो पीछे मेरे भाई की शादी थी, अगर मुझे पता होता ये इतने काम का है और इतने सारे मुझे पाउचेस और इतना सारा सामान मैं लेके गई, तो उसकी जगह पे मैं सिर्फ एक यही ले लेती जिसमें मेरा काफी सामान रहता, और ये काफी छोटू सा है तो आपका जो स्पेस भी है बहुत ज्यादा नहीं लेता। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड सेकेंड वन इज, इसको आई थिंक आप ट्रैवल के लिए तो नहीं यूज कर सकते, यूजफुल लगा तो मैंने कहा चलो इस बार भी मंगाते हैं, क्योंकि इस बार लिपस्टिक वगैरह में एक्चुअली जो पुरानी पड़ी हुई जो उसमें पाउच में लिपस्टिक होती है कई बार तो वो लगाने के लिए मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि अरे ये वाली भी लिपस्टिक है मेरे पास, और ऐसी बहुत सारी लिपस्टिक होती है जो रखे रखे ही सूख जाती है, तो मैंने कहा यार मैं ऐसे करने दे नहीं सकती हूँ अपने साथ में, तो मैंने कहा चलो हे इज प्रेजेंटिंग दिस। तो यहाँ पे वैसे तो स्पेशली ब्रश के लिए, बट ब्रश के लिए ऑलरेडी मैंने एक मंगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं रखूंगी अपनी इसमें बड़े वाले में, या फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह अपने रख सकती हूँ, या फिर जो मेरे जो बुलेट्स वाली लिपस्टिक है वो रख सकती हूँ, या फिर कुछ बड़ा सामान जो भी कुछ होगा, नहीं तो अगर बताऊँ तो कुछ क्रीम वगैरह जो बीबी क्रीम वगैरह होती है वो यहाँ पे रख सकती हूँ, यहाँ पे मेरी लिपस्टिक रख सकती हूँ, और यहाँ पे छोटे छोटे कंसीलर रख सकती हूँ जिनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, 3 वाला है, और एक तो ये अगर बोलूं आपने इसमें से ना ब्रश रखने लिपस्टिक नहीं कुछ नहीं रखना है, तो आप इसको इजिली अपनी डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, आप इसमें अपने फोक वगैरह इजिली रख सकते हैं, ठीक है वो हो गए छोटे बच्चों के लिए, हो गए स्पून रख लिया, फोक रख लिया छोटे बच्चों के लिए रख लिया इस टाइप के, या फिर अगर आप चाहें तो फ्लावर्स भी इसमें रख सकते हैं। बताइए कितना वेरियस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो है ना ये कमाल की चीज, और ये दोनों ही चीजें मैंने मीशो से मंगाई हैं। कोशिश करूंगी कि स्क्रीन पे ही इनका जो कोड होगा या इनके प्राइस के साथ मेंशन जरूर कर दूं, ताकि आपको भी ईजी रहे इसको ढूंढने में। वैसे अगर आप स्टोरेज ऑर्गेनाइजर करके सर्च मारेंगे ना तो भी इजिली आपको मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये दोनों चीजें आज की मेरी परचेज है फ्रॉम मीशो, एंड दिस इज माई बेस्ट परचेज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत सारा सामान जो है इधर उधर खोने वाला नहीं है। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे सीरम्स हमारे पास होते हैं तो आप इसमें सीरम्स भी अपने रख सकते हैं इजिली, आप उसको पुट ऑन करके कैरी करके आप अपने इजिली यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे यूज करें, तो आई थिंक दीज बोथ ऑर्गेनाइजर आर वेरी यूजफुल फॉर मी, एंड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, आपके लिए भी ऑफकोर्स यूजफुल ही रहने वाले। ओके दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट दिस,
एंड आई थिंक अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।